हाँ, मैं एक ब्राह्मण पॉलिटिकल को जानता हूँ जो इसी पार्लियामेंट के मेंबर रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि उनकी 7 बीवियाँ थीं जब वो मरे हैं, और 7ों का उन्होंने अलग अलग मकान बाकायदा एक ही कंपाउंड में बना के दिया था। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद, आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा है। मुसलमानों को एक बार फिर सड़कों पर उतारने की कोशिश हो रही है। जो गलती 3 तलाक में हमारे उलमाए किराम से हुई, जो भूल हुई और जिस तरह की दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर चूक हुई, मैं नहीं चाहूँगा कि मुसलमान कौम और मुस्लिम कम्युनिटी ये काम कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी दोहराए। कॉमन सिविल कोड, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये मुसलमानों का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश हो रही है, उनको सड़कों पर उतरने का प्रयास हो रहा है, और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बैटिंग करने के लिए इस कॉमन सिविल कोड को हथियार बनाना चाहते हैं। लेकिन आप ज़रूर उनकी पिच पर कभी भी आकर के खेलने की गलती ना करें, उनके बॉल को आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें और सीधे विकेट कीपर के पीछे जाने दें। विकेट कीपर ज़रूर उस गेंद को लपकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने बल्ले से छेड़छाड़ ना करें, वरना अंजाम यही होगा कि या तो आप क्लीन बोल्ड होंगे या फिर आप बाउंड्री पर जाके कैच हो जाएंगे। ना तो ये गेंद चौका के लिए बाउंड्री पार जाएगी और ना ही सीधे इस पे सिक्सर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं सिर्फ बीजेपी के नेताओं की बात करूँ, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बात करूँ और दिवंगत नेताओं की बात करूँ, तो उनके अंदर इतने मतभेद हैं कि तमाम जातियों को, तमाम बिरादरियों को, तमाम समुदायों को आप भूल जाएंगे। चाहे वो फिर क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, तमिलियन ब्राह्मण हो, साउथ के ब्राह्मण हो, नॉर्थ ईस्ट के ब्राह्मण हो, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग पारसी के समुदाय के लोग हों, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हों, उनकी तमाम, उन पर तो अभी बहस ही नहीं होगी। अभी सिख समुदाय के मुद्दों पर भी बहस नहीं होगी कि उनके यहाँ कितनी प्रकार की शादियाँ होती हैं। आप सबसे पहले ये जान लें कि जिस पार्लियामेंट ने, जिस संसद ने क्रिमिनल कोड को कॉमन नहीं रहने दिया, वो संसद कभी भी कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकती है। SC ST के जरिए से, एक्ट के जरिए से हमारी पार्लियामेंट ने क्रिमिनल कोड को भी कॉमन नहीं रहने दिया। आज हमारे देश में विराट कोहली अगर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए लीटर की बोतल की का पानी पीते हैं, तो आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने कोरोना के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन रटते हुए अपनी जान दे दी। आज देहातों में चले जाएं, कई ऐसे जगहों पर सालों से पानी नहीं पहुंचा है, लोग हैंडपम्प का भी पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो आज हमारे देश में ना क्रिमिनल कोड कॉमन है और ना ही मेयारे ज़िंदगी कॉमन है। आप दूर ना जाएं, दिल्ली में आएं, ओखला में अगर आप आएंगे तो गलियां बदबू से, गंदगी से उबलती हुई आपको मिलेंगी। और अगर आप लुटियन जोन में जाएंगे तो आपको नीट एंड क्लीन यही चौराहे, यही चौक, यही रोड मिलेंगे। तो हमारी ज़िंदगी भी कॉमन नहीं है, हमारे यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कॉमन सिविल कोड तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए बीजेपी की पिच पे आने की गलती ना करें। पार्लियामेंट में इलियास आज़मी ने, पूर्व लोकसभा सांसद ने, जो 2 बार लोकसभा से सांसद रहे, उन्होंने एक तकरीर की थी। उनके तकरीर के कुछ अंश जो हमने उनसे इंटरव्यू किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल कोड कभी दुनिया में कॉमन नहीं होता, क्रिमिनल कोड कॉमन होता है और कॉमन होना चाहिए। लेकिन जिस पार्लियामेंट ने क्रिमिनल कोड कॉमन नहीं रहने दिया, और जिस मुल्क में हजारों साल से क्रिमिनल कोड कॉमन नहीं रहा, उस मुल्क में आज भी क्रिमिनल कोड कॉमन नहीं है। इसी पार्लियामेंट ने SC ST Act के जरिए क्रिमिनल कोड को कॉमन नहीं रहने दिया, उस पार्लियामेंट को सिविल कोड कॉमन करने का कोई हक नहीं है। कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमान 4 शादियाँ करके अपनी तादाद बढ़ा रहा है, जिससे हिंदुओं में एक खौफ पैदा हो रहा है, हालांकि यह 100% गलत है। हिंदुओं में, हमने किसी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देके बताया था कि तादुद अज़्वाज मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं में है, और मैंने कहा कि मैं 1-2 मुसलमानों को जानता हूँ इतनी लंबी लाइफ में, जिनकी 2 बीवियाँ हैं। 3 बीवी वाले मैं 1 आदमी को जानता हूँ,
और इत्तेफाक से वो मेंबर पार्लियामेंट है रहा है। चार बीवी वाले मुसलमान का नाम मैंने कभी सुना ही नहीं पूरे होश में। हाँ, मैं एक ब्राह्मण पॉलिटिकल को जानता हूँ, वो जो इसी पार्लियामेंट के मेंबर रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, अभी नाम याद आ जाएगा, मैंने नाम भी लिया था कि उनकी 7 बीवियाँ थीं जब वो मरे हैं, और 7ों का उन्होंने अलग अलग मकान बाकायदा एक ही कंपाउंड में बना के दिया था। और जब मैंने तकरीर की थी तो मैंने कहा था कि ये वो 7ों मकान आज भी अलग अलग मौजूद हैं। तो आप 4 के लिए जो कर रहे हैं, मैं 7 का हवाला दे रहा हूँ, पार्लियामेंट के मेंबर, कैबिनेट के मेंबर का, देवरिया ज़िले के थे। तो मैंने कहा सब ख्याली बातें हैं, और मैंने कहा कि सिविल कोर्ट कहाँ से करेंगे, एक कैसे करेंगे, अटल जी का लाएंगे। अटल जी के यहाँ अगर दामाद मर जाए तो लड़की चाहे 18 साल की हो लेकिन उसकी दोबारा शादी नहीं होती। अब इल्म की रोशनी फैली है तो कुछ हो रही होगी लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं को बता रहा हूँ, आडवाणी जी के यहाँ वो नहीं है। अटल जी सिकंदर बख्त की शादी होती है एक हिंदू औरत से, तो अटल जी उसके खिलाफ हमारा अनशन पर बैठ जाते हैं दिल्ली में, और 4 आदमी मर जाते हैं, फसाद हो जाता है, 4 बेगुनाह। और आडवाणी जी अपनी भतीजी की शादी सलीम ओटेरा से बहुत आराम से कर देते हैं, मंडप पर बैठ के आशीर्वाद भी देते हैं, मंडप में बैठ के दोनों बर बहू को आशीर्वाद भी देते हैं, इसलिए कि आडवाणी जी का सिविल कोड वही है और अटल जी का वो है। मैं अटल जी के कॉल की, अटल जी के सिविल कोड की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, उसके बास पहलुओं का मैं बहुत ज़बरदस्त हिमायती भी हूँ, लेकिन और मैं उन ब्राह्मण औरतों को कि दिल से इज्जत करता हूँ जो ज़िंदगी भर एक आस्था और विचारधारा के नाम पर ज़िंदगी भर जल जल के मर जाती हैं लेकिन का नाम है दूसरी शादी नहीं करती और पाक दामन भी रह जाती हैं। मैंने कहा लेकिन कल्याण सिंह उसी भाजपा के मेंबर हैं, उनका सिविल कोड बिल्कुल अलग है, उनके यहाँ हर साल अगर दामाद मरता रहे तो लड़की की शादी हर साल हो जाएगी बशर्ते कि परिवार इस लायक हो। और आगे बढ़िए संगप्रिय गौतम तक जाइए तो पहली बार शादी का झंझट होगा, फेरे भी होंगे, लेकिन जब चाहिए एक को हटाए भगाइए, दूसरी को लाके बैठा लीजिए, उसको बैठाना कहते हैं। तो ये सिविल कोड है उस बिरादरी का जो कॉमन नहीं हो सकता। क्या इस पूरे हाउस में कोई बता सकता है कि क्या नाम है अटल जी का सिविल कोड और संगप्रिय गौतम का सिविल कोड कभी कॉमन हो सकता है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह मैंने बहुत से हवाले दिए थे, पौन घंटा की तकरीर थी, और उस तकरीर की सबसे ज़्यादा सराहना खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने की। और मैं चाहता हूं कि आप सुने और समझें कि हमारी पार्लियामेंट ने जब क्रिमिनल कोड कॉमन नहीं रहने दिया, हमारे यहाँ मैार ज़िंदगी जब कॉमन नहीं है, और हमारे यहाँ मैं आपको कुछ आंकड़े पेश करता हूँ। इलियास आदमी साहब ने पार्लियामेंट में बताया कि अगर तादुद इज्दिवाज यानी कई शादियों का मसला है तो मैं किसी एक या दो ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जिन्होंने 2 शादियाँ की हैं, एक ऐसे मुसलमान को जानता हूँ सिर्फ एक जिसने 3 शादी की है, और 4 शादी करने वाले मुसलमान को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। उन्होंने ये भी कहा, जबकि एक ब्राह्मण साहब थे, एमपी थे, कैबिनेट के मंत्री रहे, उन्होंने 7 शादियाँ की थीं। ब्राह्मण नेता, एमपी, कैबिनेट में मंत्री, उनकी 7 शादियाँ थीं, और 7ों बीवियों को एक कंपाउंड के अंदर उन्होंने घर दे रखा था। तो आप बिल्कुल डरे नहीं, आप सोचें इस ट्रैप में आकर के फंसने की कोशिश ना करें। हमारा एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं कि बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते रहें तो ज़रूर आप हमें डोनेट भी करें।